हेलो दोस्तों, 3 BHK की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। रीसेल की प्रॉपर्टी है ये। मैं विकास भरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। तो ये फ्लैट दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं ये सब भी बताते चले जाऊंगा कि ये बिल्डिंग का नाम क्या है, कौन से लोकेशन पे ये बना हुआ है, कितना स्क्वायर फुट का एरिया है और क्या प्राइसिंग है, कितने फ्लोर पे फ्लैट है, कितने माले की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टाइटल कैसा है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ से रिक्शा स्टॉप, बस स्टॉप, एक्सप्रेस हाईवे, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट एंड एंटरटेनमेंट के लिए मॉल, थिएटर वगैरह कितने क्या डिस्टेंस पे है, वो सब कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही बताते चले जाऊंगा। बने रहिए इस पूरे वीडियो में। आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। ये पूरे फ्लैट का वीडियो देखने के बाद, प्रॉपर्टी का वीडियो देखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा हमारी सर्विसेज क्या है और फिर आपसे विदा लूंगा। दोस्तों आइए कुछ फ्लैट का फोटो और वीडियोस देखते हैं प्रॉपर्टी का। ये एंट्रेंस है मेन रोड से इंद्रप्रस्थ के लिए। ये सामने मिठालाल जैन साहब हैं, उनका बंगलो है ये, और सामने ही एलिवेशन आप देख रहे हैं। ये इंद्रप्रस्थ का मेन एंट्रेंस गेट है। जब आप रोड से अंदर की ओर आते हैं तो ये मेन एंट्रेंस गेट आता है और ये इसका अभी हम एंट्रेंस लॉबी देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत फुली एयर कंडीशन इनका एंट्रेंस लॉबी है। और अभी मीरा रोड में सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, ये पार्किंग एलिवेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सेकंड फ्लोर पे इसके सारे एमिनिटीज़ हैं। इसका एंट्रेंस लॉबी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इन्होंने एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन किया है ग्रेनाइट और इटालियन मार्बल में। फॉल सीलिंग के साथ फुल्ली एयर कंडीशन एंट्रेंस लॉबी है ये, लाइक 5-स्टार होटल के जैसे इन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किया है। और अभी हम फ्लैट देखेंगे जो मैं 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट की बात कर रहा हूँ। साइजिंग का और कितना स्क्वायर फुट का इसका फ्लैट है वो सब मैं बताऊँगा। पहले आप फ्लैट देख ले, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। करीबन 35 से 40 लाख रुपए का इंटीरियर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब एजिटीज छोड़ के जाने वाले हैं। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे किचन दिया है इन्होंने। ये जो कंसेप्ट चल रहा है बड़े कंस्ट्रक्शंस में 3 BHK 4 BHK में कि एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इनको किचन देते हैं। इसकी ड्राई बालकनी है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का काम कर सकते हैं। फ्लैट के एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाता है किचन, जिसमें कि आपके स्टाफ यानी मेड या फिर खाना बनाने वाली या साफ सफाई करने वाली जो मेड होती हैं वो आए तो उनको घर के अंदर एंट्री ना मिले, वो फ्लैट के अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो किचन उसमें एंट्री कर जाएं, खाना वगैरह बना लें, उसके बाद उधर से ही निकल जाएं। घर में सबको एंट्री देने का कुछ ज़रूरत नहीं होता, इसीलिए इस कंसेप्ट को ज़्यादातर बिल्डर्स फॉलो कर रहे हैं। ये इसका एल शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया है, फुल्ली इंटीरियर वर्क किया हुआ है, ये डाइनिंग एरिया है। सामने टीवी यूनिट बना हुआ है और एजिटीज आपको सब कुछ देने वाले हैं। ये कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। ये सोफ़ा है और सारे लिविंग डाइनिंग एरिया में भी और बेडरूम्स में भी बड़े बड़े बालकनी हैं। आप देखें 4 से 5 फुट का बालकनी दिया हुआ है। बालकनी में भी इन्होंने ऊपर वुडन वर्क किया है और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। सामने नेशनल पार्क और क्रिक का व्यू आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही हायर फ्लोर पे 19-20 माले पे ये फ्लैट है। ये विंडो के साइड से मैं आपको डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूँ। टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के सामने ही टी टेबल है और सोफ़ा का पूरा सेट रखा है इन्होंने। सामने ही डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया पे भी कुछ प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने।
उसके बाद लिविंग डाइनिंग सेंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिल जाता है आपको। कॉमन वॉशरूम भी पूरा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने, अपने हिसाब से काम किया है पूरे फ्लैट का। इसके जस्ट बाहर निकलते ही थोड़ा आगे जाते ही आपको किचन मिल जाता है। वास्तु का भी बहुत बढ़िया ध्यान रखा है कि वॉशरूम के जस्ट अपोजिट में आपको कुछ ना मिले। किचन तो आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम में भी पूरी तरह से इन्होंने वुडन वर्क किया हुआ है और इसमें भी 2 से 2.5 फुट की बालकनी दिया हुआ है। और बालकनी आप देखें दूसरे बेडरूम से कनेक्टेड है, काफ़ी लंबा बालकनी है। अब ये मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग। सामने वार्डरोब है, बेड है, ये ड्रेसिंग टेबल उस तरफ दिया हुआ है, साइड टेबल दोनों साइड बना हुआ है। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, पूरा काम आपको किया कराया मिलने वाला है। एक फ़्लैट आप परचेस करते हैं रॉ फ्लैट, उसमें काम कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, बहुत सारा काम रहता है दोस्तों उसमें। इसमें तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप पेमेंट दीजिए, चाबी लीजिए और रहना शुरू करिए। ये इनका सेकंड बेडरूम है, सेकंड मास्टर बेडरूम है। मैं आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ। आप देखें तो 2 से 3 महीने तक काम चलता है, उसके बाद हर एक चीज़ों में आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर्स को आपको मैनेज करना पड़ता है। और कलर भी इतना डिसेंट इन्होंने यूज़ किया है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा एक यूटिलिटी एरिया है जहाँ एसी के आउटडोर्स रख सकते हैं, एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं आप, और काफ़ी स्पेसियस इसका वॉशरूम भी है। और इसमें आप देखें जो बेडरूम हमने पहले देखा था उससे कनेक्टेड इसकी बालकनी है, और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है। पिजन नेट लगा हुआ है, इसके लिए मैं कैमरे में पूरी ओपन तरीके से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। विंडो के साइड से इसका वार्डरोब आपको मैंने दिखाया, बाहर का डिज़ाइन किस तरफ है। दोनों साइड इसके साइड टेबल की तरफ मिरर लगा हुआ है। अभी हम चलेंगे इसका तीसरा बेडरूम देखेंगे। ये इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है। वॉशरूम से बाहर निकलते हम देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम। ये सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है, इसमें सोफा कम बेड भी रखा हुआ है। इसमें एक बड़ी बालकनी भी है जहाँ पे छज्जा बोल सकते हैं, जहाँ पे आउटडोर रखा हुआ है, और यहाँ से सीधा सीधा आपको नेशनल पार्क और क्रिक का व्यू आता है। सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिलता है यहाँ से। सामने ये वार्डरोब का स्पेस है और ये सोफा कम बेड रखा हुआ है। ये अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू है। फिर से हम लिविंग डाइनिंग में आ गए हैं। अभी हम ये फ्लैट देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस टाइप का एमिनिटीज़ है। सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ बनाया है बिल्डर ने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है।
ये इसका पैसेज एरिया है, एक एक फ्लोर पे देखें तो 8 से 10 फ्लैट है। स्टेयरकेस है इसका, हर फ्लोर पे 8-8 फ्लैट दिया है इन्होंने। अभी ये सब देखने के बाद हम चलते हैं एमिनिटीज में, किस तरह का बनाया है बिल्डर ने वो हम देखेंगे, फिर मैं इसके प्राइजिंग साइजिंग की बात करूंगा, फिर हमारे इन्वेस्टमेंट टिप्स की भी बात करूंगा, उसके बाद सर्विसेज बता के कि क्या क्या सर्विसेज हम कस्टमर्स को देते हैं जिसके लिए जिसके कारण कस्टमर्स को बेनिफिट होता है हमारा ये वीडियो देखने का, किस टाइप के प्रॉफिट करवाते हैं कस्टमर्स को, उसके बाद सर्विसेज बता के विदा लूँगा दोस्तों आपसे। ये इसका मेडिटेशन जोन है और यह एक्यूप्रेशर वे है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक्यूप्रेशर वॉक करने से आपके जो बॉडी के काफ़ी सारे नर्वस सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है। योगा एंड मेडिटेशन जोन है ये, यहाँ पे आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ये बेबी सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप छोटे बच्चों को, यहाँ पे फिक्स स्टाफ होते हैं सोसाइटी के, जो अगर आप जॉब पे जा रहे हैं या वर्किंग है, यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं। ये ओपन स्पेस है, कुछ अगर ओपन एक्टिविटी करना हो गेम्स में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका पार्किंग एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टर्फ है बैक साइड में, क्रिकेट या फुटबॉल कुछ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बैक साइड से एलिवेशन है और ये इसका ओपन स्पेस है। मल्टीपर्पज़ कोर्ट है ये और सामने स्केटिंग रिंग है जो आप देख रहे हैं राउंड, ये स्केटिंग रिंग है और सामने ही इसके अपोजिट में ही देखें तो मल्टीपर्पज़ कोर्ट है। किड्स प्ले एरिया है जो एक 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए खेल कूद कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी है दोस्तों, यहाँ पे आप स्टडी करना चाहें तो काफ़ी सारे किताबें सोसाइटी की ओर से अवेलेबल कराई गई है, आप खुद का भी स्टडी करना चाहें तो एक प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब फ्लैट खरीदने से पहले ये सब चीज़ों को जान लें आप। सामने ये स्विमिंग पूल है जहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, ये मैं दूर से आपको शूट करके दिखा रहा हूँ, इसके लिए छोटा दिख रहा है, अंदर आप नज़दीक जाते हैं आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है। ये ड्यू टू कोविड हमने शूट किया है, वही वीडियो को इसमें ऐड किया है हमने। सीनियर सिटीजन एरिया है ये, यहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल हैं आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। सामने जिम्नासियम एरिया हम देखने जा रहे हैं, ये इसका जिम एरिया है जहाँ कार्डियो ट्रेडमिल वगैरह सब कुछ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सोसाइटी का पर्सनल ट्रेनर भी उन्होंने हायर किया है, आपको बाहर जिम ज्वाइन करने की या कोई क्लब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है इसी कॉम्प्लेक्स में। आपको आप देखें बहुत ही खूबसूरत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इन्होंने रखा है। ये इसका थिएटर है, सोसाइटी के ही थिएटर है, यहाँ पे आप पर्सनल कुछ ब्लॉग्स वीडियोस शादी के या फिर कोई मूवीज़ आप इंजॉय करना चाहें तो आप इजली कर सकते हैं। ये सारी एमिनिटीज़ आपको सोसाइटी में ही मिल जाती है। ये इसका पोडियम पार्किंग है दोस्तों, सामने एलिवेटर है हाई स्पीड लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए, बैकअप के लिए, और
पोडियम पार्किंग आप देख सकते हैं, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल इसका पोडियम पार्किंग है और दो बेसमेंट लेवल भी है इसका। अब हम आपको जैन मंदिर दिखा रहे हैं। ये सोसाइटी के जस्ट बाहर ही बहुत खूबसूरत जैन मंदिर बनाया है। मिठालाल जैन साहब खुद जैन हैं, उन्होंने ही इस कॉम्प्लेक्स के बाहर ही जैन मंदिर बनाया है। सारे यहाँ पे कास्टिज्म भी देखें तो जैन हिंदू लोकेलिटी यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों। अब बात करूँ आगे में, ये तो मैंने आपको बताया इंद्रप्रस्थ के बारे में, इसके डिटेल की बात करूँ दोस्तों, ये गोल्डन नेस्ट फेस वन ये लोकेशन आता है, सोनम सागर क्वींस पार्क मिरावड़ ईस्ट इसका एड्रेस आता है। प्रोजेक्ट की बात करूँ 23 माले की टावर है ये, इसमें दो बेसमेंट, एक ग्राउंड प्लस दो पोडियम पार्किंग एरिया है इसका। 20 लेवल इसका रेजिडेंशियल फ्लैट है, हर एक फ्लोर पे 8-8 फ्लैट है और 4 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है। हायर फ्लोर पे फ्लैट है ये, अब देखें तो 20 माले पे फ्लैट है ये, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है आप देख ही चुके हैं, और इसमें करीबन 35-40 लाख का इंटीरियर वर्क किया हुआ है। ओपन व्यू, क्रिक व्यू, सिटी व्यू, तीनों व्यू यहां से आपको मिल जाता है, सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं साथ में लोन लेना चाहते हैं तो सभी बैंकों से इसमें लोन हो जाएगा, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें। वैसे तो SBI अगर लोन करती है तो आप इनडायरेक्टली समझ जाएं कि सारे बैंक इसमें लोन कर सकती है। अब मैं इसकी इन्वेंट्री की बात करूं तो ये 3 BHK की प्रॉपर्टी है, 1100 स्क्वायर फुट लगभग ये कारपेट एरिया है, और सुपर बिल्डअप तो उस टाइम चलता था जो 1750 स्क्वायर फुट का है। प्राइजिंग की बात करूं दोस्तों तो इसकी प्राइजिंग 2,55,00,000 रुपया है, जिसके साथ एक बड़ा स्टिल्ट कार्ड पार्किंग है प्लस 2 कवर्ड बाइक पार्किंग है। ये पार्किंग जो है आपको फ्लैट के साथ में ही मिल जाएगा। एमिनिटीज़ तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता दूँ आपको, योगा मेडिटेशन हॉल, जिमनाशियम, किड्स प्ले एरिया, गार्डन, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सीनियर सिटीजन एरिया, जैन मंदिर, ये सब यहाँ पे एमिनिटीज़ है, और काफ़ी कुछ तो आप देख ही चुके हैं। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर क्विंस मैरी स्कूल, 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल, मदर टेरेसा स्कूल, चिरायू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तनवर हॉस्पिटल, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेजिटल मार्केट, सुपर मार्केट, मैक्सेस मॉल, सिनेमैक्स एंड द 7 वंडर्स, वर्धमान फैंटासी, ये सब एंटरटेनमेंट के सोर्सेस और जो डेली वेस्ट यूज थिंग्स हैं ये सब आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। एक 20 से 25 मिनट के अंदर मीरा रोड स्टेशन, भाईंदर स्टेशन, सेंट थॉमस स्कूल एंड कॉलेज, रॉयल कॉलेज, रीना मेहता कॉलेज, एप्पल मेडिकल हॉस्पिटल, द बॉन बॉन क्लब, 7-11 क्लब, कनकिया पुलिस स्टेशन, कासीमीरा पुलिस स्टेशन, घोड़बंदर रोड, दहीसर चेक नाका, ठाकुर मॉल, बिग बाजार, भाईंदर खाड़ी, सनसेट व्यू देखने के लिए भाईंदर खाड़ी यहाँ पे बहुत फेमस है, ये भी आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। जो बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं मुंबई के, वो भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 45 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर आप जो मुंबई में बहुत फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ लोग बाहर बाहर से आते हैं देखने के लिए, वो यहाँ पे गोराई बीच, ग्लोबल विपासना, पेगोडा, SL वर्ल्ड वाटर किंगडम, पाली विलेज, सूरज वाटर पार्क, पाली बीच रिसोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बसई किला, जीवदानी मंदिर, जुहू बीच, वर्सोवा बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, बैंड्रा वर्ली सी लिंक, बैंड्रा फैशन स्ट्रीट, मरीन ड्राइव, तारापुरा एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, ये सब जो बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं, दूर दूर से लोग जो टूरिस्ट प्लेसेस के लिए विजिट करने आते हैं, ये भी मुश्किल से आप 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ से रीच कर जाते हैं। तो ये तो प्रोजेक्ट का डिटेल और मैंने कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज़ की बात बताया। मैंने दोस्तों बताया था कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स एक्सपीरियंस की बात किया, जो भी मैंने 10 से 15 सालों में सीखा है। आज मैं इस वीडियो में एक अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगा। फ्रेंड्स, कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदें रहने के लिए, अगर आपका बजट कम हो या फिर यूँ देख लें कि बजट आपका कैसा भी हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी खरीदें, पुराने प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बिकॉज जब आप पुराने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो पुराने प्रॉपर्टी में आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे तो रहने के लिए लेना है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी
परचेस कर रहा हूँ, मुझे बेचना नहीं है बाद में। अल्टीमेटली दोस्तों, मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट फील्ड में, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल रहते हैं और मूव कर जाते हैं। हमें लगता है हमें कि हम काफ़ी दिन रहेंगे, बट एक लेवल पे कहीं प्रमोशन हो जाता है, कहीं से फ़ंड आ जाता है, तो तुरंत हम बेच के स्विच कर जाते हैं और बड़े प्रॉपर्टी में, अच्छी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। तो उस टाइम जब हमें प्राइस का एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, तब हमें बहुत अफसोस होती है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। और ये जो समस्या आती है हमेशा पुरानी प्रॉपर्टी में आती है। तो कभी भी दोस्तों नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, जब आप नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा टाइम के साथ एप्रिसिएशन मिलता है। पुराने प्रॉपर्टी आप कभी मत खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 साल के अंदर की प्रॉपर्टी हो एक बार, ठीक है, 10 साल 15 साल पुराना प्रॉपर्टी नहीं खरीदें। उसमें जितना पैसा आपका एप्रिसिएट होना चाहिए उतना आपका नहीं होता है। मेरा 10-15 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो कभी प्रॉपर्टी खरीदें तो आप नई प्रॉपर्टी खरीदें। अगर आपको लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में मिल रहा हो तो आप उसमें जाएं, 1-2 साल रेंट पे लेके रहना हो, लेकिन आप नई प्रॉपर्टी में ही हाथ डालें। पुरानी प्रॉपर्टी में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है, ऐसा मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। आइए अब हमारी सर्विसेज की बात जानते हैं कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स, व्यूअर्स, बायर्स को बेनिफिट करवाते हैं। दोस्तों आइए हमारी सर्विसेज के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने रीसेल का प्रॉपर्टी देखा, इसका डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूं। आगे बता दूं, हमारी सर्विसेज, हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। हर एक रेप्यूटेड बैंकों से हमारा टाइप है, कुछ कॉपरेटिव बैंक से भी टाइप है जिनका फाइल कुछ वीक है या ऊपर नीचे है, तो उनका भी हम लोग ITR प्रॉपर करा के सब कुछ करवा के उनका होम लोन करने में पूरी मदद करते हैं। अगर होम लोन के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अंडर वन रूफ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके होम लोन से लेके प्रॉपर्टी परचेस कराने तक का सारा सर्विसेज देते हैं हम लोग। न्यू बुकिंग, न्यू लॉन्चिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, जो बिल्डर कभी कभी नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो अच्छा खासा उनका डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका फ्लोराइज डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका PLC डिस्काउंट होता है। बहुत सारी स्कीम वो स्टार्ट में कस्टमर्स को देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो ये जो न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी होती है वो तो कभी कभी अच्छा खासा डिस्काउंट पे होती है जब वो प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे या मिट्टी लेवल पे होता है तो। और इस तरह के जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो तो कभी कभी 40-50% डिस्काउंट पे आती है। ये जो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है रीसेल में भी कभी कभी हमारे पास 5-5-10 लाख रुपये फ़ायदे में प्रॉपर्टी आता है। ये जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी का अपडेट डालूं या नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन डालूं सबसे पहले आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द उसका फ़ायदा ले सके। दोस्तों बैंक ऑप्शन में मैंने काफ़ी सारा प्रॉपर्टी सेल किया है जो 30-40% डिस्काउंट पे सेल किया है। अगर आपको ये सब नए और फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे चाहिए तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे है, आप हमारे व्हाट्सअप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब हमें आप पिंग कर दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है 1-2 महीने 4 महीने में, तो हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर कर देंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा व्हाट्सअप पे और जल्द से जल्द आप डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों आप व्हाट्सअप पे हमें पिंग भी कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों और कुछ नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं लेके आऊँगा इसी हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।